जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इनिशियल रिसर्च में एक लंबा ब्रेकआउट होते हुए इस स्टॉक में देखा है। जैसे कि मैं पिछली बार जब वीडियो बनाया था आपको बताया था कि इस स्टॉक का जो प्राइस है कंसोलिडेशन रेंज में है और ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है, और लंबा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। एक दिन में देखेंगे तकरीबन 8.5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। एक छोटे से स्टॉक में जहाँ इतनी तेजी एक एक दिन में देखने को मिल रही है, जरूर उस स्टॉक में कोई करामात है, कोई बात है, तभी ये शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इनिशियल रिसर्च का, समझेंगे कि जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें प्रॉफिट बुक करने का सही समय आ गया है नहीं, साथ में कोई नया व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो मिस कर रहे हैं कि हमें ये स्टॉक छूट गया, उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट का और कमाई का। चलिए सुबह शुरू से करते हैं। पहले काम की बात करेंगे, कंपनी काम क्या करती है, फिर फंडामेंटल और फिर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने क्या बताया था और अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीएल रिसर्च जो कंपनी है एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी क्या होती है, जो बैंक की तरह लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है, उसको एनबीएफसी कंपनी कहते हैं। हालांकि देखिए, ये जो उस तरह की कंपनी है एनबीएफसी, इनका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि ये इजिली बैंक की कंपेरिजन में लोन वगैरह प्रोवाइड करा देती है। जितने भी आप मोबाइल और बाइक वगैरह लेते हैं ईएमआई पर, उसकी फाइनेंस कोई एनबीएफसी कंपनी ही करती है। तो इसलिए एनबीएफसी कंपनी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना लंबे अवधि के लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो काम हम लोगों ने समझा। आप देखिए, मार्केट कैप की यदि बात करें, फंडामेंटल की बात करें, तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 70 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि छोटी सी कंपनी है, लेकिन पी रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा दिख सकता है। तो देखिए, छोटी सी कंपनी जो होती है उसका पी रेशियो महंगा होता ही है, लेकिन शेयर प्राइस काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज एडजस्टमेंट आप इसको करने वाली बात मान सकते हैं। शेयर प्राइस सिर्फ 66 पैसा के आसपास है, हालांकि इसका जो बुक वैल्यू है 1 रुपये के आसपास है, इससे कम है शेयर प्राइस। ये थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं। जिसमें बताया कि ओवरऑल जो फंडामेंटल और धीरे धीरे मजबूत ही हो रहा है, फंडामेंटल में क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। तो जब मजबूत होगा तो जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह भी बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और यदि आरओसी की बात करें तो यह अभी तकरीबन 1% के आसपास है। अच्छी बात यह कि माइनस में नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं होना चाहिए, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कोई भी रिटर्न निकाल कर नहीं देगी यदि माइनस में रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे ये माइनस में नहीं है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा के देने का दमखम रखती है। और जाहिर सी बात है कि जब एक एक दिन में 8-8, 10-10% की तेजी आप देखने को यहाँ पर मिलेगा, किसी भी दिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं मैंने क्या बताया था, क्या हो रहा है और अभी आगे क्या हो सकता है। तो अभी हम आगे हैं एक साल के चार्ट पर और एक साल के चार्ट पर। जैसे हमने बताया था कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है तो उसमें एक लंबा ब्रेकआउट होता है। देखिए, यहाँ पे भी कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया था, तो इसके बाद जब बाहर निकला तो एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस फिर नीचे आया और फिर एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। यहाँ पे भी जाके प्राइस कंसोलिडेट करने लगा, दो प्राइस के बीच में स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिन तक घूमने लगता है, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन रेंज में फंस जाना। तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था और देखिए फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। सामान्यतः जब भी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन से निकलता है तो ब्रेकआउट ही होता है, और एक जैसे सीधे इसका प्राइस जा रहा है 65 पैसा तक आ गया, इजिली ये 75 पैसा तक आपको आते हुए दिख सकता है बहुत ही कम समय में। यानी कि आपका यदि पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है और आप मजे ले रहे हो तो मजे लेते रहिए, बहुत जल्द इस स्टॉक का प्राइस 75 पैसा 80 पैसा तक, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक इस कंपनी का शेयर प्राइस आएगा रजिस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस फिर रिट्रेसमेंट करने जब नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे नए व्यक्ति जो छूट गया है, जिनका इन्वेस्टमेंट जो मिस कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। जब भी इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे से जब ऊपर जाने लगेगा, तब जहाँ से भी प्राइस घूमने लगा वहाँ पर आप नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि एनसीएल रिसर्च, देखिए ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, रिसर्च फाइन एनबीएफसी कंपनियों में सबसे मजबूत कंपनी इसको मानता हूं मैं। तो इसलिए यदि लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बेशक जहां पर भी मौका मिला आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें नए व्यक्ति के लिए क्या करना है, और पुराने व्यक्ति जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या अभी रणनीति रहेगी, मैंने इसमें बता दी है। फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ के या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब कमेंट में भी दे देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट को ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तो Q3 के रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे काफ़ी बेहतर आया था। इस वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मेन बिजनेस से जो कमाई है, वह देखिए वह भी प्लस में है, पॉजिटिव में है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है तो आने वाले समय में ये और आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। और अभी तो Q3 और Q4 का नंबर भी आने बाकी हैं, तो उसमें एक कंपनी की ज़बरदस्त कमाई होगी। और अभी अगले साल चुनाव भी आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनबीएफसी कंपनियों का मुनाफा और आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो इसमें यदि आपको इन्वेस्टमेंट है तो आप बने रहिए, अगले साल आपको कमाई का और भी मौका मिलेगा इन सेल रिसर्च में। और यदि लंबी अवधि की न्यूज़ है तो कुछ सोचना ही नहीं है,
तो उम्मीद करता हूँ इन शेयर्स के बारे में जो बातें मैंने अभी आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।